रविवार को कमला नामक एक महिला अपनी मासूम बच्ची के साथ जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। कमला दरअसल बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के बूल गांव की है और पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने पहुंची है। कमला ने बताया कि वह अपने पति के साथ अहमदाबाद में रहती थी, उसका पति वहीं काम करता है और अब उसको एक परेशानी हो गई है। इस परेशानी को लेकर कमला अपनी बच्ची के साथ एसपी से गुहार लगाने आई है। कमला ने यह भी बताया है कि मेरी परेशानी को लेकर मैंने पुलिस थाना धोरीमन्ना में कई बार रिपोर्ट पेश की लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई है। कमला ने अपनी समस्या हमें बताई, वो वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले कमला ने अपनी किस प्रकार की परेशानी बताई है वो मैं आपको मुख्य मुख्य बिंदु बताता हूँ। कमला ने बताया कि मेरे ससुर के भाई यानी बड़े ससुर जो गाँव में रहते हैं और अब वे लोग कमला एवं इसके देवर एवं पति सहित जो ससुर हैं उनको गांव में घर नहीं बनाने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन है, हालांकि उन्होंने पहले स्टे लिया था लेकिन उसके बाद गांव में सामाजिक स्तर पर पंचायती रखी गई, पुलिस भी उस दौरान साथ में थी। तब उन्होंने कहा था कि जो मेरी ज़मीन पर स्टे लगा है उसके पास वाली ज़मीन में आप घर बना दो। तो इन लोगों ने वहाँ पर घर बनाना शुरू भी किया लेकिन जैसे ही आधा घर बना तो उन्होंने काम रुकवा दिया। अब इसके अलावा इसकी कमला की क्या परेशानी है वो सारी की सारी बात कमला की जुबान से सुनिए। यह कमला बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के बूल गांव से हैं। मेरा नाम कमला है, मैं बूल गांव से हूँ। मेरे को घर बनाना है, नहीं बनाने दे रहे मेरे बड़े ससुर और उसके बेटे राम नारायण ओम प्रकाश। मेरे को मारने के लिए कल आदमी को भेजा, मैं भाग के बाड़मेर आई हूँ एस पी साहब से मिलने। उसको मैंने रिपोर्ट की है, मेरी कोई सुनता नहीं है, पुलिस धोरीमन्ना पुलिस ही नहीं सुन रहा है। मैंने 5 कंप्लेन की है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। इसलिए प्लीज़ आप सब लोग मेरी हेल्प करिए, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मामला ये है कि उन्होंने स्टे लिया, उन्होंने पूरा घर बना लिया है एंड हम घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने स्टे ले लिया। स्टे लिया तो हमने भाई सब बोलते हैं पाँच लोगों से सबसे हेल्प मांगी तो बोला कि इधर जो मेरा आ रहा है ना खेत उधर मत बनाओ, आगे बना सकते हो। ये पुलिस वाले ने भी बोला और हरिराम ने बोला और उसके दोनों बेटों ने बोला और गांव के पंच सरपंच सब बोला। एंड अभी ये सब ना मना कर रहे, पुलिस वाले आए वो भी मना कर रहे हैं। एंड मेरा घर काफ़ी बन गया है, आधा बना है आधा बाकी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब मुझे मेरा घर बनाना है, हम सिर्फ एक झोपड़ा है उसमें बैठे हैं और हमारे पास कुछ है नहीं बैठने के लिए, इसलिए।